डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम एमपीएस मोतिहारी। टुडे आई विल टीच यू सम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसमल्स, अर्थात मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसमल्स पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सरसाइज 3C में है, आर एस अग्रवाल वाली किताब में। तो उसी का कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम बताएंगे, जो अभी सबसे पहले उसमें से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल। यानी एक ड्रम में 16.850 लीटर तेल रखा हुआ है। तो ये पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स हो। तो अगर इसी तरह के 48 ड्रम्स है तो उसमें कितना तेल रखा हुआ है। तो वही बात है कि भाई एक ड्रम में जब उतना लीटर तेल है तो ज्यादा ड्रम होगा तो ज्यादा तेल होगा, और ज्यादा कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करके और आंसर को प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, पहले जो है हम लोग 16.850 इसको ऊपर लिख देंगे, फिर जो है नीचे हम लिखेंगे 48, फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट को हम लोग भूल जाए और बिना पॉइंट के हम लोग मल्टीप्लाई करें। तो 800 आएगा, 8540 का 0 4 बचेगा, 8 8 64 और 4 68 का 8 6 बचेगा, उसके बाद 8 6 48 और 6 54 का 4 5 होगा, और 8 1 8 और 5 30। फिर यही काम जो है फिर 4 से करेंगे, तो 4 से जब करेंगे 4 से 0 में इंटू करेंगे 0 आएगा, 4 5 20 का 0 2 आएगा, फिर 4 8 32 और 2 34 का 4 3 बचेगा, और 4 6 24 और 3 27 का 7 2 बचेगा, और 4 1 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बनाएंगे, फिर इनको हम 8 करेंगे, 0 यहाँ आया, फिर 0 आया 8 और 4 4 8 3 7 10 का 0 1 होगा, और 1 1 2 और 6 8। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट तो देना है, तो पॉइंट जब दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पॉइंट तो हमको हर हाल में देना है। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद डिस्पल है, तो इसलिए आप भी 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद यहाँ डिस्पल लिखिएगा, और आंसर में हम लोग लिख देंगे इसी के भाषा में, इसी के जवाब दे देंगे। पूछा है ना हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड, तो लिख देंगे 48 ड्रम्स कैन होल्ड इज इक्वल टू कितना लीटर आएगा, 808.8। और देखिए ये दोनों जीरो आप लिख भी सकते हैं और उसको ओमिट भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप लिख ही देते हैं इतना हुआ। और दूसरी बात की लीटर्स लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो है यूनिट लिखना जरूरी होता है, यूनिट जो है हम लोग को लिखना चाहिए, तो इसलिए ये यूनिट हम लोग लिखेंगे, जितना लीटर्स आ रहा है वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में है, 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। देखिए 1 किलोग्राम चावल का दाम आपको दिया हुआ है, और ज्यादा यानी 16.25 kg का चावल का दाम निकाला है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप 1 किलोग्राम का जब दिया है, हो सकता है कि आपको डिसिमल में समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कोई दूसरा नंबर लेके सोचिए कि अगर 1 किलोग्राम चाय का या चावल का दाम अगर 20 रुपीज है तो 2 किलोग्राम का क्या होगा, तो आप तुरंत बता दीजिएगा 20 रुपीज या 40 रुपीज होगा। तो
उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करके ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये डिसिमल्स है तो इसमें दूसरा गुणा अलग हो जाएगा, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके ही बनाएंगे। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है 60 नंबर, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 56.80 और मल्टीप्लाई में लिख लेंगे फिर 16.25, यहाँ 16.25 और फिर वही इंटू करना है तो इंटू करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ नीचे जो है देखने में दिक्कत हो रही हो, तो हम इसको आपको यही भी बता देते हैं, यहाँ हम इसको बता देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको बता दिया जा रहा है। 16 में आप जो है इसको ऊपर लिख लीजिएगा 16 में है पहले लिख लेंगे हम लोग 56.80 और इसमें मल्टीप्लाई करना है इतना से 16.25 से मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ज्यादा बड़ा देखते हैं तो घबराते हैं और उसको बनाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मेहनत करना पड़ता है ना पढ़ाई में, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो आप इसको बनाएंगे घबराएंगे। देखिए सबसे पहले वही बात, पहले जो है थोड़ी देर के लिए आपको समझना है कि कहीं कोई पॉइंट नहीं है, कहीं कोई डिसिमल नहीं है और आराम से पहले मल्टीप्लाई करना है। 5 से 0 में होगा 0 आएगा, 5 मिट जा 40 का फिर 0 आएगा 4 होगा और 5 से 30 और 4 30 4 3 बचेगा और 5 5 25 और 3 20। फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से 0 आएगा, 2 जा 16 का 6 1 आएगा, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 1 आएगा, उसके बाद 2 5 जा 10 और 1 11। फिर उसके बाद हम लोग 6 से करेंगे तो 6 से करेंगे, 6 से ये 0 आएगा, फिर 6 8 जा 48 का 8 4 बचेगा और 6 6 जा 36 और 4 40 का 0 4 होगा और 6 5 जा 30 और 4 34। नेक्स्ट 1 से करना है, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, उसी को हमको लिख लेना है, 0 है 8 है 6 है और इनको अब हम लोग क्या करेंगे, जो सब में कर रहे हैं वही करेंगे, 8 करते हैं तो 8 करेंगे तो ये आएगा 0, फिर यहाँ भी आएगा 0, 4 6 10 का 0 1 आएगा, 1 8 9 और 3 12 और 8 20 का 0 फिर 2 बचेगा और 2 2 4 और 1 5 और 8 13 का 3 1 बचेगा, 1 1 2 4 6 6 12 का 2 1 होगा, 1 3 4 और 5 9। तो ये हम लोग को आ गया। अब इसको फिर क्या करेंगे भाई, डिसिमल तो देना है, इस बात को दिमाग में रखना है कि डिसिमल को हम लोग को थोड़ी देर के लिए ही भूलना है, हमेशा के लिए नहीं भूलना है। अब देखिए 2 डिजिट के बाद यहाँ है, 2 डिजिट के बाद यहाँ है तो 2 और 2 आपको मालूम नहीं है कौन होता है, तो 4 डिजिट के बाद हम लोग डिसिमल दे देंगे, यानी यहाँ लास्ट में देंगे और यहाँ जब इसके लास्ट में ये 4 डिजिट जहाँ खुला हो रहा है राइट साइड में उसके बाद बोल रहे हैं, 4 डिजिट के बाद हम लोग डिसिमल देंगे और डिसिमल के बाद 0 0 ही नजर आ रहा है, इसको आप छोड़कर हल्का कर लेंगे, हल्का लिखेंगे और चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए आप जो है थोड़ा लिख देंगे, जैसे कहे हुआ था आपको व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 एनी ऑफ प्राइस, तो यहाँ तरीका से लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 16.25 एनी ऑफ प्राइस इक्वल टू हो जाएगा इतना रुपीज 920। बहुत स्टूडेंट्स को लगेगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा नंबर था सर इसका छोटा है, तो भाई ये कितना है, ये पॉइंट पहले तो हम लोग रुपीज पढ़ते हैं, रुपीज है 56.80 पैसे, 16 रुपीज है और 25 पैसे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर बहुत कहां से होगा, तो इसलिए जो है घबराएंगे नहीं और यही आपका आंसर हो जाएगा और इस तरह बनाए। नेक्स्ट अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17
सही है। क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन है। पहले आपको कॉल कर उसका मीनिंग बता देते हैं। 1 meter of cloth costs ₹108.5. What is the cost of 18.5 meters of this cloth? एक मीटर कपड़ा का दाम आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि आप 18.5 मीटर कपड़ा का दाम बताइए। तो फिर वही बात, डिसिमल देख के घबराना नहीं। जैसे मान लीजिए 1 मीटर आप दुकान पर जाते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ जाते होइएगा, तो अगर 1 मीटर कपड़ा का दाम अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 300 रुपीज दुकानदार बताते हैं, तो 5 मीटर का क्या होगा भाई, दुकानदार ही ना करेंगे, 300 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 रुपीज लेंगे। तो उसी तरह से है, वही चीज है मगर डिसिमल में है। तो डिसिमल से घबराना क्या है, उसका तो रूल सब आपको सिखा दिया गया। तो वही 1 मीटर कपड़ा का दाम दिया है और आपको 18.5 मीटर कपड़ा का दाम निकालना है। तो फिर 1 मीटर का दिया है और ज्यादा का निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करके बनाना है। अब देखिए कैसे करेंगे, फिर जो है हम लिख लेंगे ऊपर पर लिख लेंगे, रुपीज है 108.50 और इसमें अब इसमें हमको इंटू करना है, कितना से इंटू करना है, इसमें इंटू करना है 18.5 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिसिमल को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि डिसिमल भी है, और बिना डिसिमल के आराम से जैसे जनरल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करते हैं। 5 से आएगा देखिए, 0 आएगा, 5 5 20 5 5 2 5 8 40 और 2 42 2। देखिए यहां बहुत बच्चे लोग, ये 5 0 की जब स्थिति आती है वहां बहुत गलती करते हैं। 5 8 40 हुआ था और 2 एंड 42 हुआ है, तो 42 का 2 होगा और यहाँ कोई लिखते नहीं, कोई यहाँ क्या करता है कि 9 लिखता है, कोई 0 भी लिख देता है। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, आप जो है 5 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। आपको बताया गया है किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 हो जाएगा, तो 0 आएगा। तो जब 0 आ रहा है तो हमारे जो हैंड में 4 है वो उसमें जब अगर एड करेंगे 0 में तो 4 ही आएगा, कोई 4 लिखना है और तब फिर 5 5 उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब 8 से करना है। अब 8 से हमको मल्टीप्लाई करना है, 8 से करेंगे 0 आएगा, 8 5 40 का 0 आएगा, 4 आएगा, 8 8 64 और 4 68 8, फिर 6 आएगा और वही स्थिति है 0 है। तो 8 में 0 से इंटू करेंगे 0, इसलिए 60 के हमको 6 यहां लिखना है और 8 1 8। फिर हमको 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 से तो सूत्र आई नहीं है, वही आएगा 0 है, 5 है, 8 है, 0 है, 1 है। अब इसको हम लोग 8 करेंगे, 8 करेंगे तो आएगा 0 5 2 4 8 12 5 17 7 1 1 5 6 6 12 8 20 का 0 2 आएगा, 2 8 10 का 0 1 बचेगा और 1 1 2। फिर वही बात, हमको पॉइंट को देना है भाई, तो यहाँ की राइट जो है दाहिने हाथ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और यहाँ की दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 एड कर लेंगे 3 हुआ, तो दाहिने हाथ से हम लोग 3 डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। लिख देंगे तरीका से, द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ मीन्स कीमत दाम, द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 18.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपीज। देखिए अब यहां पर बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आंसर के साथ मीटर लिखते हैं, क्योंकि इस बात को सोचते नहीं है कि भाई ये तो कॉस्ट है, दाम है, तो दाम मीटर में कैसे होगा, दाम जब भी होगा तो रुपया में होगा। इन सब बातों को जो ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, वो अच्छा करते हैं, तो आप रुपीज लिखेंगे और टू
2007.25 इसमें जीरो के बाद जी कुछ नहीं है, जीरो को हर हाथ में छोड़ना है, इसलिए हर हाथ में छोड़ना है कि रुपीज है, तो रुपीज है तो यहाँ पॉइंट जो पहले हम लोग जो लाता है उसको रुपीज पढ़ते हैं और पॉइंट के बाद जो है 25 जो लिखा है उसको पैसे पढ़ते हैं, यानी इसको पढ़ा जाएगा 2007.25। अब सोचिए कि अगर जीरो हम यहाँ लिख देते हैं तब तो हो जाएगा कि 2007.25 जो कि नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, न्यायसंगत नहीं होगा, इसलिए कि भाई जीरो है, 250 पैसे जब होते तो 2 रुपीज का तो 200 पैसे का तो 2 रुपीज हो जाता, वो इधर क्यों नहीं होता, इसलिए आप जो है यहाँ जीरो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अब आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है, एक कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर और 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कार जो है कोई 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर दूरी को सफर करती है, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए कार जो है आपको 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो वही कह रहा है कि हाउ फार मीन्स कितना दूर, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार कितनी दूर जा सकती है। मान लीजिए आप कभी पेरेंट्स के साथ कार से जा रहे हैं तो अगर सोचिए कि 1 लीटर में आप 6 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगर 2 लीटर तेल है तो कितना दूर जाएंगे, तो आप जरूर बोल देंगे कि भाई 1 लीटर में अगर 6 लीटर जा रहे हैं, सॉरी 6 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 लीटर में 12 किलोमीटर जाएंगे, तो उसी तरह ये है, उसी तरह बनाना है कि भाई 1 लीटर में इतना जाती है तो भाई इतना में क्या जाएगी, तो कैसे पता चलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, तो इसलिए फिर हमको मल्टीप्लाई करना है और इस कैसे बनाएंगे बता दिया जाए आपको, 36.5 ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा डिजिट है, ज्यादा डिजिट का ऊपर लिखना चाहिए और कम डिजिट वाला नीचे लिखना चाहिए, और 8.6 है इसमें पहले या ज्यादा से अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बताया गया है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, a(b)=b, ये तो बराबर ही आना है, लेकिन ये कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये ऐसा लिखते हैं भाई ज्यादा डिजिट का ऊपर रहेगा कम डिजिट का नीचे, तो हमको मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगी, तो उसी के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए फिर जो है 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30 का 0, 3 6 36 39 का 9, 3 बचेगा और 6 3 18 और 3 20, फिर हम 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 40 का 0, 4 बचेगा, 8 6 48 और 4 52 का 2, 5 बचेगा, 8 3 24 और 5 29, अब इनको हम लोग जोड़ देंगे एड कर देंगे तो ये आए, फिर वही बात, फिर हम लोग को पॉइंट जो है देना ही देना है, तो पॉइंट दिख रहा है कि 1 डिजिट के बाद देना है, 1 डिजिट के बाद देना है, तो आप 2 डिजिट के बाद यहां दे देंगे, और दूसरी बात कि आपकी वही वर्ड प्रॉब्लम्स है तो जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से जवाब दे देंगे, पूछा है कि हाउ फार कैन इट गो ऑन इतना 36.5 मीटर ऑफ पेट्रोल, लिखते हैं इट कैन गो ऑन 36.5 मीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 330.90 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर जरूर लिखेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो किलोमीटर नहीं लिखते हैं वो लीटर ही लिख देते हैं, लेकिन वही बात है थोड़ा सा सोचना चाहिए समझना चाहिए कि भाई ये तो डिस्टेंस है कितना दूरी, तो दूरी है डिस्टेंस है तो वह लीटर में कैसे होगा, तो जब भी दूरी होगा आप ही से पूछा जाए बल्बा कितना दूर है
तो आप यही बोलेंगे भाई 1 किलोमीटर है, चाहे 1.5 किलोमीटर है, 1.5 लीटर तो नहीं बोलेंगे। तो इन सब बातों को जरा सोचते हैं, जरा मेडिटेशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं और तब अच्छी तरह लिखते हैं और तब हमको एग्जाम में हमको अच्छा नंबर आता है, हम लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, एक टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹9.80 पर किलोमीटर। एक टैक्सी का ड्राइवर है पर किलोमीटर मतलब तो क्या होगा, पर किलोमीटर का 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज जो है टैक्सी ड्राइवर इतना करता है, यानी इतना रुपया भाड़ा मांगता है। तो वही कह रहा है हाउ मच विल ही चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। 106.5 किलोमीटर के यात्रा के लिए वह इतना चार्ज करेगा। तो फिर वही बात है भाई, एक ये 1 किलोमीटर का भाड़ा जो उतना ले रहे हैं, तो ज्यादा किलोमीटर कोई यात्रा करेगा तो ज्यादा भाड़ा लेंगे, और ज्यादा तभी आएगा जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए इसमें भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और कैसे बनाना है देखिए, पहले 106.5 ये ऊपर क्योंकि ज्यादा डिजिट वाला है, और नीचे हम लोग लिखेंगे ये 9.80। फिर वही बात भी मल्टीप्लाई करें, तो जीरो से आप करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। अब हमको 8 से 8 5 40 का जीरो 4 बचेगा, 8 6 48 और 4 48 का 8 4 बचेगा, और वो 4 यहाँ लिखाएगा। अभी आपको ये रूल बता चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब उसके बाद हम देखिए 8 5 40 का 0 5 हुआ है और 8 6 48 यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखिए 8 5 40 का 0 4 बचे और 8 6 48 और 4 ये 52/2 और यहाँ पे काम होगा, ठीक है। अब जो है 8 1 8 हो जाए, अब क्या करेंगे फिर 9 से करें, तो 9 5 45 5 4 बचेगा, 9 6 54 और 4 58 का 8 5 बचेगा, और ये रूल आपको बताए दिए हैं कि 9 0 से हो रहा है 0 तो वही 5 यहाँ लिखाएगा और 9 1 9, फिर इनको हम लोग जोड़ देंगे और ये आएगा 0 0 और उसके बाद 2 5 7 5 8 13 3 1 बचेगा, 1 8 9 4 1 9 8। और फिर हम लोग को डिसमल तो देना है, तो डिसमल आप देख रहे हैं 2 डिजिट क्या 1 डिजिट क्या, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद हम लोग डिसमल दे देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब तरीका से हम लोग लिख लेंगे, पूछा था हाउ मच विल ही चार्ज, वो कितना चार्ज करेगा या कितना भाड़ा लेगा, तो ही विल चार्ज इक्वल टू 1043.70 और रूपी ध्यान, आपके मन में आता होगा कि 2 2 0 है क्यों, 1 ही 0 लिख रहे हैं, तो इससे पहले भी हमको बताया है यहाँ पर आपको 70 नंबर क्वेश्चन में कि ऐसे रहेगा ऊपर पाएंगे कि 1043 रूपीज और 70 पैसे। अब अगर एक और दिन रहेगा तो 700 पैसे पढ़ना हो जो कि जस्टिफाई नहीं होगा, तो इसलिए जो है हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये हम लिखेंगे। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन जितने भी थे सब टाइप के बताकर, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे आपको सब बता दिया गया। अब आप भी आप अपने किताब में किताब लेकर मुफ्ती में फेयर में सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको जो है आगे दिक्कत नहीं होगी, और आगे जो है जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको डिवीजन ऑफ डिसिमल्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप जो है इन सब को सॉल्व करके जो भी छूटा हो एक्सरसाइज 3C को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको और उसके बाद जो है 3D का जो कंसेप्ट दिया जाता है बुक में उसको भी पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छा लगे। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क जो है टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3C। थैंक यू, ओके, हैव ए नाइस डे। Have a nice day.